अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की होगी भारत वापसी। सूत्रों के मुताबिक कल भारत लाया जा सकता है राजन। सीबीआई, दिल्ली पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम गई है बाली। बाली में डॉन छोटा राजन ने आज तक से कहा नहीं डरता दाऊद से, पूरी उम्र दाऊद से लड़ाई जारी रहेगी। कहा दाऊद का सुरक्षा कवच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। डॉन छोटा राजन का मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप। कहा पुलिस फोर्स में दाऊद को मदद करने वाले लोग शामिल हैं, मुंबई पुलिस से डॉन को खतरा है। साध्वी प्राची का फिर विवादास्पद बयान। शाहरुख खान को बताया पाकिस्तानी एजेंट। कहा शाहरुख को कहीं भेज देना चाहिए। शाहरुख ने कल देश में बढ़ रही असहनशीलता पर चिंता जाहिर की थी। शाहरुख के बयान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, शाहरुख की आत्मा पाकिस्तान में है, शाहरुख है राष्ट्र विरोधी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे का दावा, केडीएमसी में अगला मेयर बीजेपी का ही होगा, हमने खुले रखे हैं सभी विकल्प। दानवे के मुताबिक उनके पास 43 नगर सेवक हैं, जबकि शिवसेना के पास 51, सत्ता में आने के लिए 62 नगर सेवकों की जरूरत है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की हाई लेवल मीटिंग। केडीएमसी में सत्ता तक पहुंचने के लिए गणित पर चर्चा हुई। 51 सीटों के साथ केडीएमसी सबसे बड़ी पार्टी। वित्त मंत्री सुधीर मुगंतीवार ने कहा केडीएमसी और कोल्हापुर चुनाव नतीजों का राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा असर, शिवसेना और बीजेपी का साथ बना रहेगा। दालों के दाम घटाने के मुख्यमंत्री के वायदे पर शिवसेना मंत्रियों ने उठाए सवाल। खत लिखकर पूछा कब पूरा होगा जनता से किया वादा, कब घटेंगे दाल के दाम। उद्धव ठाकरे ने लॉन्च की बाइक एम्बुलेंस, सभी जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट और दवाओं से लैस है बाइक एम्बुलेंस। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुंबई में दौड़ेगी 10 बाइक एम्बुलेंस, सफल होने के बाद किया जाएगा प्रोजेक्ट का विस्तार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में क्लोरीन गैस के रिसाव से एक बुजुर्ग महिला की मौत, 20 अस्पताल में भर्ती, 5 की हालत गंभीर। कोल्हापुर के उधमनगर इलाके में वेल्डिंग की दुकान में रखी टंकियों से लीक हुई क्लोरीन गैस, पड़ोस में रहने वाला परिवार बना शिकार। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल की गवाही, मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज। पूछताछ के दौरान रो पड़े राहुल मुखर्जी। इंद्राणी अपना वॉयस सैंपल देने के लिए तैयार, केस की जांच कर रही सीबीआई ने पिछले हफ्ते कोर्ट में इस बाबत अर्जी दी थी। मुंबई पुलिस पर लगा बदनुमा दाग, नशे में धुत कांस्टेबल ने एक लड़की से छेड़खानी और मारपीट की। यह घटना कल रात 8:30 बजे की है। पीड़ित लड़की अंधेरी में ऑटो में बैठकर पवई से अंधेरी जा रही थी, आसपास के लोगों ने मुश्किल से कांस्टेबल से लड़की को बचाया था। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी कांस्टेबल प्रवीण नलावड़े के खिलाफ केस दर्ज, ड्यूटी से सस्पेंड। थाने के बिल्डर सूरज वर्मा सुसाइड मामले में चारों आरोपी नगर सेवकों को बॉम्बे हाईकोर्ट से 2 दिसंबर तक मिली अंतरिम राहत, चारों पर वर्मा पर पैसे की वसूली के लिए दबाव डालने का आरोप है। जल्द ही बीएमसी के फायर दस्ते में 81 मीटर का हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म शामिल होने जा रहा है। बीएमसी इसके लिए 70 लाख रुपए खर्च करेगी। सायन, केईएम और नायर अस्पताल होंगे सीसीटीवी कैमरों से लैस। अस्पतालों के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिहाज से 3,71,00,000 रुपए की लागत से लगाए जाएंगे सीसीटीवी। 5,000 रुपए के दिवाली बोनस मिलने के बाद भी नाखुश बेस्ट कर्मचारी, फिर हड़ताल पर जाने की धमकी। महाराष्ट्र के मंत्रालय के सभी सरकारी अधिकारियों की क्लास ली जाएगी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकारी परियोजनाओं को लागू करने में बाबू रोड़ा बने हुए हैं। लगातार 5वें दिन गिरे सोने के दाम, 26,700 रुपए प्रति 10 ग्राम हुए सोने के दाम। नमस्कार, मुंबई मेट्रो देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की असहनशीलता वाले बयान पर बड़ा तीखा हमला बोला है। विजयवर्गीय ने शाहरुख के बयान को देशद्रोह जैसा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान रहते भारत में है लेकिन उनका मन हमेशा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहां करोड़ों कमाती हैं पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने को है। पाक समेत सभी भारत विरोधी ताकतें इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हैं। भारत में असहिष्णुता का माहौल बनाना षड्यंत्र का ही हिस्सा है।
शाहरुख ने असहिष्णुता का राग पाक और भारत विरोधी ताकतों के सुर में सुर मिलाता है। जब 1993 में बॉम्बे में सैकड़ों लोग मारे गए थे, तब शाहरुख खान कहां थे? जब मुंबई पर 26/11 को हमला हुआ था, उस वक्त कहां थे शाहरुख? आज सारी दुनिया भारत और उसके नेतृत्व का मान कर रही है, ऐसे में यहां असहिष्णुता बढ़ने की बात करना दुनिया के समक्ष भारत को कमजोर करना होगा। और सिर्फ बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं, वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने भी अभिनेता शाहरुख खान पर बड़ा तीखा हमला किया है। साध्वी प्राची ने बॉलीवुड के किंग खान को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया। सुनिए साध्वी प्राची का विवादास्पद बयान। ये बहुत शर्म की बात है, शाहरुख खान को जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं, और मैं समझती जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान जो भी आपने कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था, ये शाहरुख के बयान के बाद आया है। आपको दिखाते हैं कि शाहरुख ने आज तक से क्या कहा था। आई थिंक हम थोड़े इम्पेशेंट हो गए। मेरी और आपकी उम्र ऐसी है कि हमको लगता है पेशेंस थोड़ा मेलो है, जैसा आप कहते हो, लेकिन जो जवान पीढ़ी है वक्त नहीं है उनके पास, तो आई थिंक ओवर रिएक्ट रिएक्ट फास्ट कर जाते हैं। और अब आवाज सुनने के माध्यम बहुत सारे हैं। पहले एक टीवी पे इंटरव्यू आपके साथ करने में हमको वहाँ दिल्ली आना पड़ता था, आराम से बैठते थे पूरा 6 दिन का, अब आराम से हो जाता है। आज फोन करूँ, राजीव भाई कुछ कर लें यार प्लीज, मेरे लिए कर दो, आपको अच्छा बेटा तुम यहाँ आ जाओ, हो जाएगा सर। बट आई थिंक अब माध्यम बहुत हो गए तो आवाज़ ज़्यादा हो गई है। हैविंग सेड दैट, मुझे कहीं ना कहीं पर यह भी लगता है कि आवाज़ ज़्यादा होने के बावजूद सिर्फ आवाज़ ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज़ भी ज़्यादा हो गई है। थोड़ी सी इंटॉलरेंस ज़रूर है, और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इस देश का वासी होने के नायक जेन्युइनली कि यार प्लीज 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 ये जो अनसेक्युलर आवाजें हैं वही हमारे देश को, हम हमेशा बोलते रहते हैं देश प्रगति पे है, आगे बढ़ गया, नया भारत है, भारतवर्ष आगे निकल जाएगा, हम चाइना को पीछे कर देंगे, उसको पीछे कर देंगे, वी आर द सुपर पावर, वी विल नेवर बी अ पावर इफ यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि सारे रिलीजन सारे जो तबके हैं सबके सब बराबर हैं। और चलिए अब खबर देखते हैं मुंबई के शीना बोरा मर्डर केस की। आज धारा 164 के तहत 5 गवाहों के बयान इस मामले में दर्ज किए गए। इनमें एक गवाह पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल मुखर्जी भी है। उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई इस केस में 20 से 21 नवंबर को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देगी। पीटर मुखर्जी के बेटे और शीना वोरा के बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी का मंगलवार को किला कोर्ट में एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ। राहुल का बयान दर्ज करने में करीब 6 घंटे का समय लगा। सूत्रों के मुताबिक बयान देते समय राहुल काफी भावुक हो गया और कई बार रोया भी। माना जा रहा है कि राहुल ने इंद्राणी के खिलाफ अपने बयान में मजिस्ट्रेट के सामने काफी कुछ कहा। कोर्ट में इंद्राणी की सेक्रेटरी काजल शर्मा का बयान भी दर्ज किया गया है। राहुल का बयान दर्ज करने से पहले अदालत 2 और अहम गवाहों के बयान दर्ज कर चुका है। अदालत ने इससे पहले इंद्राणी की राइट हैंड यानी उसकी सेक्रेटरी काजल शर्मा का बयान दर्ज किया, जिसने अदालत को बताया कि दरअसल किस तरह से इंद्राणी ने उस पर दबाव बनाकर उससे शीना के फर्जी हस्ताक्षर बनवाए। इसके अलावा शीना जिस कंपनी में काम किया करती थी उसके सहकर्मी ने आकर अदालत को बताया कि आखिर शीना के गायब होने के कुछ दिन बाद ही कैसे उसका आया इस्तीफा। इंद्राणी को रायगढ़ जाने के लिए कार मुहैया करवाने वाले फैजल निजार अहमद का बयान भी लिया गया है। इन सभी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि गवाह बाद में पलट न जाए। ट्रायल के समय ये बयान आरोपियों के खिलाफ सबूत के तौर पर मान्य होंगे। साथ ही मंगलवार को इंद्राणी अपना वॉइस सैंपल देने के लिए तैयार हो गई। केस की जांच कर रही सीबीआई ने पिछले हफ्ते कोर्ट में इस बाबत अर्जी दी थी। कोर्ट ने 43 साल की इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को 7 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। विद्या, मुंबई आज तक। और अब खबर डॉन छोटा राजन से जुड़ी हुई। छोटा राजन को कल सुबह भारत लाया जा सकता है। उसके बाद यही माना जा रहा है कि छोटा राजन को मुंबई लाकर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, जहां उसके खिलाफ करीब 75 मामले दर्ज हैं। अर्नवल डॉन छोटा राजन को बाली से पहले दिल्ली लाया जाएगा, इसके बाद उसे मुंबई लाकर मुंबई पुलिस को सौंपा जाएगा। मुंबई में राजन के खिलाफ करीब 75 मामले दर्ज है, जबकि दिल्ली में 7।
मुंबई में सबसे पहले छोटा राजन से क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी, जिसके पास राजन के खिलाफ 20 मामले हैं। मैंने आपको जैसे बोला ना, सीबीआई को मालूम है कि उसको कहां कहां किस केस में देना है या किस चीज में वो इन्वॉल्व है। उनको वापस लाने के बाद वो खुद ही उसके बारे में एक फैसला करेंगे। राजन के ऊपर 14 से ज्यादा संगीन मामलों का हवाला देते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने 1995 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसी के बिना पर इंटरपोल ने राजन को 20 साल बाद इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया है। राजन के ऊपर मुंबई में 4 मामलों में टाड़ा लगा है। एक मामले में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत राजन को बुक किया गया है। दर्जन भर मामलों में राजन के ऊपर मकोका लगा है। 28 मामलों में राजन को जबरन वसूली के लिए मुख्य आरोपी बनाया गया है। अब इतना तो साफ हो गया है कि छोटा राजन को जब हिंदुस्तान लेकर आया जाएगा तो उसे सबसे पहले सीबीआई की कस्टडी मिलेगी और सीबीआई उससे पूछताछ करेगी। छोटा राजन ने इंडोनेशिया में मुंबई पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस से उसे डर है क्योंकि इसमें दाऊद के लोग हैं। पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि छोटा राजन की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सुरक्षा के लिए जितनी वाजबी और एडिक्वेट सुरक्षा की जरूरत है उस सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उसकी हम लोगों ने तैयारी के लिए। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जेल विभाग के अधिकारियों की छोटा राजन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 2 बार मीटिंग हो चुकी है। अगर राजन को जेल में रखा जाता है तो आर्थर रोड जेल के सबसे सुरक्षित अंडा सेल में उसे रखा जाएगा। मुंबई से मुनीश पांडे और आदित्य चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और मुंबई मेट्रो में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक। केडीएमसी चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद भी शिवसेना और बीजेपी दोनों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 122 सीटों वाली मुंबई कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव में शिवसेना के खाते में 51 सीटें आई हैं और बीजेपी के पास 43 सीटें हैं, लेकिन बहुमत के लिए 62 सीटों की जरूरत है। बीजेपी और शिवसेना के बीच कलह शांत होने का नाम नहीं ले रही। निकाय चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद केडीएमसी में मेयर पद के लिए दोनों पार्टियां अपना दावा ठोकती नजर आईं। महापौर बसवण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे कोशिश करणार आहे। दोन्हीकडे कुठे? कोल्हापूर आणि कल्याण डोंबिवली मध्ये आम्ही महापौर बनवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे। चुनाव में नंबर 2 पर आने वाली बीजेपी को मेयर पद के लिए दावा ठोकते देख शिवसेना को मिर्ची लगना स्वाभाविक था। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। याचा अर्थ सरळ आहे की त्यांना शिवसेना सोबत यायचं नाही। बघूया, अजून मला त्याच्यावरती मला ताणातणी काय आता करायची नाहीये। त्यांचा मार्ग त्यांनी सांगितलेला आहे, आमचा मार्ग आम्हाला पुढे। साफ है कि निकाय चुनाव के ताजा नतीजे आने के बाद दोनों दलों में रस्साकशी और बढ़ गई है। इस बीच बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों के साथ दादर स्थित पार्टी मुख्यालय शिवसेना भवन में मीटिंग की। ज्यादातर विधायकों ने उद्धव से सरकार के काम करने के तरीकों को लेकर शिकायतें की। मुंबई से मयूरेश गणपते और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। और मुंबई मेट्रो में अभी फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।